ध्यान देने योग्य काम की बातें जरूर सुने। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में फेरने से बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आँखों में आंख का दूध भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। भैंस के दूध में चने भिगोकर खाने से दुबलापन दूर होता है और शरीर ताकतवर बनता है। जब छींक आने लगे तो सर को झुका लो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। यदि आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबाए रखें तो दांत मजबूत रहेंगे और आपको कभी लकवा नहीं होगा। किचन से चूहों को भगाना चाहते हैं तो किचन के कोने कोने में एक कपूर रख दें। अगर बादाम खाते वक्त मुंह में कोई कड़वा बादाम आ जाए तो उसे खाना नहीं चाहिए, यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाता है तो वह टेंशन में रहता है। दही में चीनी मिलाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। अगर पेट में दर्द हो तो जीरा को पीसकर शहद के साथ चाट लो, फौरन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दही के साथ मछली का सेवन करने से आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बालों को बांध कर रखने से दिमाग को ताकत मिलती है और बाल भी कम गिरते हैं। लहसुन को छील कर उसकी कलियों को दरवाजे और खिड़कियों के पास रख दे, इससे छिपकली नहीं आएगी। ज़्यादा टेंशन लेने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून के थक्के बनने लगते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आ जाता है। जब मोबाइल फ़ोन एकदम डिस्चार्ज हो गया हो तब फ़ोन ना सुने, क्योंकि उस समय रेडिएशन हजार गुना ज़्यादा होता है, जो हमारे दिमाग को बीमार करने के लिए काफ़ी है। अगर केला खाने से आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल लें, इससे कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो वह रोजाना खजूर खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का भी इस्तेमाल बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।